Hello 10th class, in this video we will continue exercise 3.2. In the previous video we have solved up to question number 1. Now we will try question number 2 and further continue. So question number 2 mein dekho ya. Isme likha hai ki on comparing ratios. आपको ए वन अपन ए टू बी वन अपन बी टू और सी वन अपन सी टू निकालना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर्स लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट पैरेलल और कॉन्सिडेंट. ये बताना है कि जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल है या कॉन्सिडेंट है. तो वी विल लुक एट फर्स्ट पार्ट. इक्वेशन इज 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0. सेकेंड वन इज 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0. इसमें रेशियो निकालेंगे ए वन बाई ए टू. देखो यहाँ 5/7 हो गया. बी वन अपॉन बी टू माइनस 4/6 माइनस 4/6. इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो माइनस 2/3 आ जाएगा. एंड सी वन बाई सी टू ये हो जाएगा 8/-8/9. तो देखो फर्स्ट टू को पहले देखते हैं. फर्स्ट टू में ये देखो और ये देखो. पहले दो को देख लो, या दोनों इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे. तो इक्वल नहीं है तो यही काम रुक जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है. अगर इक्वल है फिर अगला वाला देखोगे. तो यहाँ लिखोगे देखो दोनों इक्वल नहीं है. तो कंडीशन में बताया था कि सिंस हियर ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल बी वन अपॉन बी टू सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट. क्या बताया था, यूनिक सोल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन्स. इंटरसेक्टिंग लाइन्स ये फर्स्ट हो गया. सिमिलरली सेकेंड पार्ट 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0. दूसरा इक्वेशन 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0. अगेन फाइंड द रेशियो ए वन अपॉन ए टू 9/18 सॉल्व करोगे 1/2 हो जाएगा काट के. बी वन बाई बी टू ये 3/6 हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करोगे 1/2 हो जाएगा. एंड सी वन बाई सी टू विच इज 12/24 इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी 1/2 ही हो जाएगा. तो लुक एट ऑल थ्री रेशियोज ऑफ कोफिशियंट्स, दे ऑल आर इक्वल. तो सिंस हियर यू हैव ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू इक्वल सी वन अपॉन सी टू, सो वॉट कैन यू कंक्लूड. सो गिवेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस एंड रिप्रेजेंट. तो मेनी सोल्यूशंस में रिप्रेजेंट क्या, कॉन्सेंडिंग लाइन्स. ठीक है. अब उसके बाद ऐसे ही थर्ड पार्ट को देख लोगे. इक्वेशंस आर 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0. रेशियो निकालो a1 अपॉन a2 इक्वल 6/2 दैट इज 3/1 काट लोगे. b1 अपॉन b2 माइनस 3/-1 इसे भी माइनस माइनस कटेगा 3/1 आ गया. एंड सी वन बाई सी टू हेयर यू हैव 10/9
ये दो वैल्यू सेम है, तीसरी वैल्यू सेम नहीं है, तो ये लिखोगे सिंस a1 बाई ए टू इक्वल b1 बाई बी टू नॉट इक्वल c1 बाई सी टू, सो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट व्हाट? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, बिकॉज इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, दैट इज ए वन अपन ए टू इक्वल बी वन अपन बी टू नॉट इक्वल सी वन अपन सी टू, सो देयर विल बी नो सोल्यूशंस, एंड फॉर द नो सोल्यूशंस द लाइन्स विल बी पैरेलल्स. ओके, नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन देख लो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. मैंने आपको बताया था, जब कंडीशन बता रहा था तो कंसिस्टेंसी चेक करने का भी तरीका बताया था कि किस कंडीशन में कंसिस्टेंट होते हैं, किस में कंसिस्टेंट नहीं होते हैं. तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बना लो, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल जीरो. सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इक्वल 7, तो इसको इधर लाओगे तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल जीरो, इसको एक साथ लिख लो 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल जीरो. तो मैंने बोला था उस कंडीशन बताने के समय कि जिसमें सॉल्यूशन होगा, यानी वेदर इट इज यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, वे कंसिस्टेंट होंगे, और जिसमें सॉल्यूशन नहीं होगा दैट इज पैरेलल लाइंस वाले में, नो सॉल्यूशन वाले में, इट विल बी इनकंसिस्टेंट. तो जस्ट यू हैव टू चेक वेदर इट इज यूनिक और इनफिनिटली सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, उसके बाद आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लिख सकते हो. फाइंड द रेशियो ए वन बाई ए टू 3 by 2, b1 by b2, minus 2 by 3 देखो यहाँ पे, c1 by c2, minus 5 by minus 7 एक कट जाएगा, 5 by 7 आ गया. ओके, तो ये फर्स्ट टू रेशियो को पहले कंपेयर करो, दे आर नॉट इक्वल, यहाँ 3 by 2 आ गया, यहाँ 2 by 3 आ गया माइनस में, तो लिखोगे सिंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, सो given pair of equations have unique solution and consistent. unique solutions है, जब unique solutions है तो क्या हो जाएंगे, consistent हो जाएंगे. मैंने बोला था जिसमें सॉल्यूशन है वे कंसिस्टेंट है. नेक्स्ट वन इज 2x माइनस 3y, मैं डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, तो आप भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल जीरो. फाइंड a1 अपॉन a2, 2 बाई 4 1 बाई 2 हो गया, b1 बाई b2 माइनस 3y माइनस 6 ab 1 बाई 2 हो गया कट के, एंड थर्ड वन c1 बाई c2 माइनस 8 बाई माइनस 9, तो दिस विल बी रिमेन सेम. तो यहाँ फर्स्ट टू वैल्यू इक्वल है, तीसरी इक्वल नहीं है, सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन, यानी कि नो सॉल्यूशन गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, एंड जब नो सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट. ऐसे ही थर्ड वन 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7, एलसीएम ले लेना, तो दिस विल बी 9x प्लस, और ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करो 2 आएगा, 2 5 जा 10y इक्वल 7, इधर मल्टीप्लाई करोगे 9x प्लस 10y इक्वल 42, फिर 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल 0, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट.
सिमिलरली सेकेंड के लिए देखो, सेकेंड क्वेश्चन इज 9x माइनस 10y इक्वल माइनस 14, माइनस 14 इक्वल 0. तो हियर a1 बाई a2 इक्वल 9 बाई 9, दैट इज 1, 1 बाई 1 एंड रेशियो ऑफ b1 एंड b2 इक्वल 10 बाई माइनस 10, दैट इज माइनस 1 बाई 1 एंड c1 बाई c2 इक्वल माइनस 42 बाई माइनस 14, तो 3 बाई 1. तो फर्स्ट जब पहले दोनों इक्वल नहीं है, देखो ये माइनस है प्लस है, तो सिंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, सो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट. ऐसे ही देख लो, फोर्थ पार्ट में 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल 0, माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल 0, a1 बाई a2 5 बाई माइनस थी माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, b1 बाई b2 माइनस 3 बाई 6 थी भी माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, c1 बाई c2 माइनस 11 बाई 22 दैट इज माइनस 1 बाई 2, तीनों सेम हो गए. सिंस a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, सो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एंड व्हाट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड लास्ट वन 4x3 प्लस 2y इक्वल 8, सॉल्व करोगे इसे 4x प्लस 6y तो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल 0. दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड वन 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल 0. फाइंड द रेशियो a1 बाई a2 दैट इज 4 बाई 2, तो 2 बाई 1, b1 बाई b2 6 बाई 3 दैट इज 2 बाई 1 एंड c1 बाई c2 माइनस 24 बाई माइनस 12, ये भी आपका 2 बाई 1. तीनों रेशियो सेम आ गए, वही लिखोगे सेंस a1 अपन a2 इक्वल b1 अपन b2 इक्वल c1 बाई c2. सो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एंड जब सॉल्यूशन रख रहे हैं तो दैट दे विल बी कंसिस्टेंट. तो ये क्वेश्चन 3 हो गया और बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.